जोर से बोलो। चलिए तो आज हम लोग बात करने वाले हैं आयरन लेडी, जिनका नाम क्या है, इंदिरा गांधी। एक आयरन मैन हुए इंडिया के, जिनका नाम क्या है, जिनकी बहुत बड़ी स्टैच्यू बनी है, क्या नाम है उनका, सरदार वल्लभ भाई पटेल। उनका नाम आयरन मैन क्यों रखा गया, तुम बोलोगे आयरन मैन तो अमेरिका वाला टोनी स्टार्क, वो वाला टोनी स्टार्क की बात नहीं हो रही है। सरदार वल्लभ भाई पटेल को आयरन मैन इसलिए बोला जाता है कि जब वो बोलते हैं ना, 12 से 14 साल की एज की बात है, 12 या 13 साल के थे जब वो, तो उनके हाथ में एक फोड़ा हो गया था, वो फोड़ा बोलते हैं ना पक नहीं रहा था, तो डॉक्टर ने बोला कि भाई इसमें कोई गर्म चीज डाल करके इस फोड़े को फोड़ना पड़ेगा, तब ये मेवाज बाहर निकलेगा। अब किसी की हिम्मत ही नहीं हो रही थी, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बोलते ने सलिया उठाया, सो गरम किया, सीधा घोप दिया अपने हाथ और निकाल दिया। वहां से उनको नाम दिया गया क्या, आयरन मैन। तो कहने का मतलब है सर, फिर इन्होंने भी कुछ ऐसा डिसीजन लिया होगा जिसकी वजह से इनका नाम रखा गया आयरन लेडी। तो इन्होंने कौन से बहुत बहुत भयंकर काम किए थे, 3 से 4, उसमें से एक काम पे हम लोग डिस्कशन करेंगे। इंदिरा गांधी का पूरा नाम क्या बच्चों, इंदिरा प्रियदर्शिनी गांधी। इन्होंने सत्ता कब से कब तक की, ये इंडिया की कौन सी थर्ड प्राइम मिनिस्टर थी, 1966 से 1977 में, और बाद में 1980 से 1984 में, क्योंकि 1984 में क्या हो गई, इनकी हत्या हो गई। और इनका जन्म कहाँ हुआ, प्रयागराज में। प्रयागराज कहाँ भैया, वाह, नवंबर 19 1917 को। और इनके स्पाउस मतलब इनके पति का नाम क्या था, फिरोज गांधी। इनके बच्चों का नाम क्या है बताओ जरा, इनके बच्चों का नाम था राजीव गांधी और संजय। राजीव गांधी को भी क्या किया गया, बम से उड़ा दिया गया था, उसकी स्टोरी मैं आपको बाद में बताऊंगा। और संजय गांधी भी क्या हो गया था, इनका प्लेन क्रैश हो गया था, लेकिन लोगों का मानना है कि इनको भी मारा गया। और इनके पिता का नाम क्या था, माता का नाम कमला नाम। चलिए आज हम बात करेंगे इनकी, एक कहावत कही गई है, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी। कहीं कहीं पे ये सिचुएशन ऐसा सामने आके आ जाता है, जो सिख समुदाय है ये भाई साहब को बोलता है कि ये भाई साहब हीरो है, और कुछ लोग इनको क्या मानते हैं, विलन मानते हैं। इनका नाम है जनरल सिंह भिंडरवाले, जनरल सिंह भिंडरवाले। तो ये जनरल सिंह जो भिंडर वाले हैं, इनकी कहानी हम लोग समझते हैं अच्छे से, अब बाद में आप डिसाइड करना कि ये हीरो हैं या विलन। इनकी कहानी शुरू होती है 1946 में, जब एक अकाली दल था, कौन सा दल, अकाली दल, कहाँ का बाबू, पंजाब का। वो बोलता है कि हमको सेपरेट नेशन चाहिए, क्या बोलते हैं, हमको इंडिया से अलग होना है। ये मांग कब उठी, 1946 को। इन्होंने बोला कि जैसे इंडिया में, हिंदुस्तान में हिंदू रहते हैं, पाकिस्तान में क्या रहते हैं, मुस्लिम, वैसे पंजाब को अलग एक देश बना दो और उसमें सिर्फ क्या रहेंगे, सिख। तो लोगों ने पूछा भाई ऐसा क्या जरूरत है, तो उन्होंने बोला कि जो इंडिया में ज्यादा मेजोरिटी किसकी है, हिंदुओं की, और हमको इंपॉर्टेंस कम मिलता है, ज्यादा प्रायोरिटी किसको मिलती है, हिंदू को, तो हम अपना अलग ही देश बना लेंगे। चलो ठीक है भाई, समझते हैं जरा। और 1980 में क्या हुआ, 1980s में क्या हुआ, भिंडर वाले ने क्या किया, अकाली दल को ज्वाइन किया और अपना क्या किया, प्रोटेस्ट बांध लिया। और 1982 आते तक ये प्रोटेस्ट क्या हो गया, दिन पे दिन क्या होते गया, बढ़ते गया। और इनकी मांग क्या थी बताओ जरा, इनकी मांग यही थी कि हमको सेपरेट नेशन चाहिए। और फिर हम बोलते बहुत बड़े राइट्स हुए, किसके बीच में, हिंदू और सिख के बीच में। इन्होंने क्या किया, बहुत बड़े बड़े क्या किए, आंदोलन किया। आंदोलन में क्या हुआ, बहुत सारा बताओ, लोग दिख रहे हैं आपको मरते हुए, आग लग रही है, दिख रही है, बस जल गया, घर जला दिए, इस तरह से कितने लोग मर गए उस दंगे में, कम से कम 2000 से ज्यादा लोग मर गए। दंगा किसके बीच में हुआ, हिंदू और सिख के बीच।
पंजाब के लोग क्या बोल रहे थे कि जितने भी हिंदू पंजाब में है छोड़ करके यहां से चले जाएं, क्योंकि ये किसका, ये कौन सा राष्ट्र बनेगा अब, खालिस्तान, किसका, सिख लोगों का। तो वो चाहते थे कि हिंदू क्या करें, यहां से छोड़ के चले जाएं, क्योंकि हिंदुओं की मेजोरिटी इंडिया में ज्यादा है, हिंदुओं की मेजोरिटी यहां पे ज्यादा है, और हम लोग क्या बनाएंगे पंजाब को, खालिस्तान। ये देखा है, अभी देखो खालिस्तान का एक न्यूज में बहुत चल रहा है, उसके बारे में डिटेल में हम लोग बाद में बात करेंगे। तो इनका ये था कि भैया हम लोग पंजाब को क्या बना देंगे, खालिस्तान। ये दिख रहा है ना पंजाब, उसको क्या बनाना चाहते थे ये, खालिस्तान। वहां पे मतलब खालिस्तान में खाली क्या रहेंगे, सिख। लेकिन मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूँ, ये अंगूर देख रहे हो, अंगूर इसकी कीमत, और जो सेपरेट सेपरेट अंगूर रहते हैं, आप बाजार में जाते हो तो दो टोकरी लगी रहती है, एक टोकरी में ऐसे गुच्छे वाला अंगूर होता है, और एक में बोलते हैं ना जो गुच्छे से टूट गए रहते हैं अंगूर वो रहता है। तो कीमत किसकी कम होती है और किसकी ज्यादा होती है, जो टूटा हुआ अंगूर रहता है उसकी कीमत क्या रहती है, कम, और जो गुच्छे में अंगूर रहता है वो ज्यादा। क्योंकि जो गुच्छे से अंगूर टूट जाते हैं वो बहुत जल्दी क्या हो जाते हैं, खराब हो जाता है, वो क्या हो जाते हैं, सड़ जाते हैं। लेकिन जो गुच्छे में लगा रहता है ना, जिसको तना दिया रहता है, जिसको एक रूट मिली रहती है, जो समुदाय में जुड़ा रहता है, वो जल्दी खराब नहीं होगा। अब तुम पंजाब एक अलग ही देश बना लोगे तो छोटा सा देश लेकर के क्या कर लोगे भाई, लेकिन एक पूरा देश अगर मिलकर के रहेगा। अब बताओ इंडिया में कितने स्टेट्स हैं इस टाइम पे, राइट नाउ मैंने आपको एक दो दिन पहले ये बताया 28, और यूनियन टेरिटरीज कितनी है, 8। अब इतने सारे लोग बोलते हैं 36 लोग मिलकर के अगर रहोगे, अगर 36 लोग मिलकर के रहोगे तो किसी को भी डिफेंड कर सकते हो, पाकिस्तान जैसे देश बोलते देख के ही डर जाएंगे। अपना यूपी अकेले ही क्या है, पाकिस्तान से बड़ा है। अगर खाली आधा यूपी को छोड़ दिया जाए, पाकिस्तान को मार के आ जाओ, तो खाली आधा यूपी के लोग पाकिस्तान खत्म कर देंगे। तो गुच्छे में रहना इंपॉर्टेंट है। अब कहानी शुरू होती है, ये चीज जानते हो, पवित्र चीजों को, ये है हमारे देश का सबसे पवित्र मंदिर, वैसे सब मंदिर पवित्र हैं, तो मैं एक बार प्रणाम करता हूं, क्योंकि यहाँ पे खास बात क्या है उसको मैं अच्छे समझाता हूँ। इसको बोलते हैं गोल्डन टेम्पल, ये देखने में भी बहुत सुंदर लग रहा है, लेकिन इन दुष्टों की वजह से, पापियों की वजह से इसकी हालत कैसी हो गई थी एक समय, ऐसी देख रहे हो कैसा तोड़ फोड़ दिया गया है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, इस तरह से हालत हो गई थी, इतना तोड़ फोड़ दिया गया था। ये देख रहे हो, अभी प्रॉपर दिख रहा होगा आपको। चलिए ये नौबत क्यों आई उसको अच्छे समझते। अब पहले इसके बारे में बताता हूं, गोल्डन टेम्पल के बारे में, कि मैं इतना बहुत खुश होकर के क्यों बता रहा हूं उसके बारे में। ये गोल्डन टेम्पल कहाँ पे है, अमृतसर में, जहां पे ये दिख रहा है, कितना कितना प्लेट दिख रहा है बाबू, 1000 1000 प्लेट खिलाया जाता है किसको, जो लोग भूखे होते हैं, कभी साल में एक बार, एवरी डे, विच इज मोर पीपल देन ताजमहल अट्रैक्ट इन अ डे। ताजमहल में जितना लोग नहीं जाते होंगे ना, उससे ज्यादा लोग कहाँ पे आते हैं, गोल्डन टेम्पल। एक दिन में कम से कम 1 लाख थाली क्या करते हैं लोग, फ्री में खिलाते हैं लोगों को। आज की डेट में पंजाब में ये नहीं पूछते कि तू पंजाबी है या बोलते हिंदू है या मराठी है या मलयालम है या तमिल का है, कोई कास्ट नहीं पूछते। और वहां की खास बात जानते हो, जब वहां पे कोई जाता है ना तो उसका जूता निकाल करके रख देते हैं, और ये भाई साहब लोग, मेरे दोस्त लोग, मेरे गुरु लोग, सिख लोग, ये लोग क्या करते हैं, उनका जूता पोछते हैं, पोछ करके यहाँ पे रखते हैं। और यहाँ पे जो लोग बैठने वाले हैं कोई नॉर्मल लोग नहीं है, बड़े बड़े अरबपति लोग हैं ये जो बैठे हैं ना, इनको कोई वही मत समझो कि दम मजदूर लोग हैं, अच्छे खासे पैसे वाले लोग हैं। ये लोग क्या करते हैं, कोई भी आएगा इंसान उसका जूता निकालते हैं, पोछते हैं, और ऐसे ड्रॉअर में रखते हैं। अभी आप देख सकते हो चपाती का थाली दिख रहा है आपको, ये देखो थाली दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, कितने लोगों को खिलाया जाता है एक दिन में, 1 लाख। लेकिन एक समय ऐसा आया कि गोल्डन टेम्पल को क्या किया गया, इस तरह से तबाह कर दिया गया था, देख रहे हो।
अब ये है अपने इंडियन आर्मी। चलिए और डिटेल में जाते हैं, समझाते हैं कहानी कब खत्म हुई, शुरू हुई 1 जून 1984 को। क्या किया आर्मी ने, क्या किया यहां पे, अटैक किया किसमें, गोल्डन गोल्डन टेम्पल। टेम्पल। सर क्यों अटैक किया बताता हूं। ये गोल्डन टेम्पल जो था वहां पे किस पे किसने कब्जा कर लिया, जर्नैल सिंह भिंडरवाले ने। कौन सर वो कौन था, दिखा देते हैं फोटो। स्टार्टिंग में आपको दिखाए थे उनकी फोटो, कहा गए भाई जनरल सिंह आ जाओ। ये अब इनकी ये मांग थी कि पंजाब को क्या कर दो, एक अलग देश बना दो। और इन्होंने क्या किया, भारी मात्रा में गोला बारूद लेकर के इकट्ठा कर लिए और दंगा करना शुरू कर दिया। उस दंगे मैंने आपको बताया 2000 से ज्यादा लोग मारे गए। प्रेशर बढ़ने लगा, गवर्नमेंट बोलने लगी भैया क्या हो रहा है, बाकी के जो बोलते हैं अपोजिशन वाले बोल रहे हैं देखो पंजाब में क्या हो रहा है, इंदिरा गांधी कुछ एक्शन नहीं ले रही है। बाकी इंदिरा गांधी के जो लोग सपोर्टर थे वो बोलते नहीं आप अभी इस टाइम पे शांत रहिए, अगर आप एक्शन लेंगे तो पूरा सिख समुदाय क्या हो जाएगा, नाराज हो जाएगा। लेकिन अगर अपने ही देश में कोई एक स्टेट हमसे अलग होना चाहेगा तो एक बोलते हैं ना पेट्रियोटिक के होने की वजह से, एक देशभक्त होने की वजह, देश प्रेमी होने की वजह से हमारे दिमाग में क्या आएगा। अगर कोई, अगर अभी तुम लोग से कोई बोले कि अभी कोई न्यूज आए कि यूपी इंडिया से अलग होना चाहता है, तुमको कैसा लगेगा, तुम सपोर्ट करोगे क्या? तुम कभी भी सपोर्ट नहीं करोगे, तुम बोलोगे नहीं 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 यूपी इंडिया से अलग नहीं होना चाहिए, अलग हो जाएगा तो फिर यूपी अलग देश हो जाएगा और हमको यूपी से इंडिया में आने के लिए पासपोर्ट लगेगा, हम अलग होने नहीं देंगे। तो गवर्नमेंट को लगा कि नहीं भैया आप तो एक्शन करना ही पड़ेगा। अब ये भाई साहब जाकर के कहां पे बैठ गए, गोल्डन टेम्पल। अगर तुमको बोलते हैं ना आंदोलन करना ही है, प्रोटेस्ट करना ही है, तो इतने मतलब इतने पवित्र जगह पे जाकर क्यों बैठ गए भाई। उसको पता था कि अगर मैं इस पवित्र जगह पे बैठूंगा तो आर्मी या कोई पुलिस वाला मेरे पे अटैक नहीं करेगा, अपने आप को बचा रहे थे वहां पे सेफ। लेकिन कुछ दिन बीत गए, फिर इंडियन गवर्नमेंट को लगा भैया आप काम ऐसे नहीं चलने वाला है, अब तो अटैक करना ही पड़ेगा। तो इंदिरा गांधी ने क्या कर दिया, आर्मी को बोला भैया अब गोल्डन टेम्पल पे क्या कर दो, अटैक कर। और उस ऑपरेशन को नाम क्या दिया गया, ऑपरेशन ब्लू स्टार, जिसके अंदर क्या हुआ, इंडियन आर्मी ने कहां पे अटैक किया बाबू, गोल्डन टेम्पल पे। कौन से तारीख को अटैक किया था, 1 जून 1984। जब इंडियन आर्मी ने गोल्डन टेम्पल पे अटैक किया तो उसके बाद गोल्डन टेम्पल की हालत आपको दिखाई दिया, इस तरह से टूट गया था, बहुत हानि हुई थी। अब गोली बारूद चलेगा, बम फेंकोगे तो टूटेगा ही ना भाई। अब इस तरह से देखो उन लोग ने अटैक किया था, उसका पूरा एक प्रोसेस बना करके रखा था, यहां से एंट्री मारा है ना और यहाँ पे विस्फोट किया, ये पूरा नक्शा बना करके दिया गया हमको। उसको डिटेल में जानना नहीं है, खाली आपको मैं नॉर्मली समझा रहा हूँ कि चीजें किस तरह से घटित हुई। अब ये तरह से हालत देख लो, पूरा टूट गया था, बताओ क्या हालत कर दिए थे गोल्डन टेम्पल। ऐसा गोल्डन टेम्पल, ऐसा मंदिर जो आज के डेट में जहां पे लोग बोलते हैं ना ताजमहल से ज्यादा लोग यहाँ पे आते जाते हैं, उसी हालत कैसी हो गई थी देख रहे हो। बाद में उसको रिपेयर करके अच्छा बनाया गया। अब इस अटैक में क्या हुआ, 83 सोल्जर्स मारे गए, कितने सोल्जर्स मारे गए, और 249 सोल्जर्स क्या हो गए, घायल हो गए। और इस ऑपरेशन ब्लू स्टार में जो आंदोलन कर रहे थे, खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे थे, उसमें से 493 लोग मारे गए, कितने, उसमें कौन था, जर्नैल सिंह भिंडरवाला भी मारा गया उसी। और कितने लोग घायल हुए, 248। उसके बाद तो सिख समुदाय बोलते हैं ना इंदिरा गांधी को अपना दुश्मन समझने लगा। ये देखो इन्होंने प्रोटेस्ट किया, वी लव हिम, किसको, भिंडर वाले। इनको लगता था कि जो भिंडर वाला जो कर रहा है वो सही कर रहा है। लेकिन आज के डेट में वो बात कब की थी बाबू, 1984 की। और आज की ऐसी बात है कि पंजाब में ऐसा आप नहीं हो, क्योंकि पंजाब को भी पता है, हर एक स्टेट को पता है कि अगर हम लोग गुच्छे में रहेंगे तो एक ताकतवर रहेंगे, अगर अपना छोटा सा देश बनाएंगे तो कोई भी आएगा हम पे आक्रमण करेगा। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो। वैसे इंडिया की इकोनॉमी दिन पे दिन इतनी बढ़ते जा रही है कि अब कोई भी स्टेट इंडिया से अलग होना नहीं चाहेगा, और ना ही हो तो ही बेटर है। अब इनको भाई साहब इंदिरा गांधी को थ्रेट्स मिलने लगे, धमकियां आने लगी, किसको, इंदिरा गांधी को।
समुदाय से क्या आने लगी, धमकिया कि भाई इनको हम लोग उड़ा देंगे, मार देंगे। और ये बात है 31 अक्टूबर 1984 की, कब की, और अटैक कभी किया था इंडियन आर्मी ने, 1 जून को, और उनकी हत्या कभी हुई, जून के बाद कितना महीने लग गए, अक्टूबर में, मतलब जून को छोड़ दो, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, है ना। अब इनको इंटेलिजेंस से पता चला, इनके इंटेलिजेंस मतलब इनके अधिकारियों ने भी इनसे बताया कि इंदिरा जी आपके जो दो बॉडीगार्ड है वो दोनों क्या है, सिख है, तो अगर सिख लोग आप पे क्या कर रहे हैं, आपसे नाराज हैं, तो आप ये अपने दोनों बॉडीगार्ड्स क्या कर दो, चेंज करो, क्योंकि ये दोनों सिख हो सकता है ये क्या ले, बदला ले लें आपसे। तो इंदिरा गांधी ने बोला कि अगर मैं अपने बॉडीगार्ड्स को चेंज कर दूंगी तो इस सिख समुदाय को और बुरा लगेगा कि ये हम पे भरोसा नहीं करती हूँ। तो उन्होंने बोला नहीं, मुझे सिख समुदाय पे भरोसा है, कुछ सिख जो है वो समझते हैं कि जो मैंने किया वो सही किया, और उसके चलते इन्होंने अपने दोनों बॉडीगार्ड्स को चेंज नहीं किया, जिनका नाम क्या था, बीन सिंह और सतवंत सिंह, ये बीन सिंह और ये सतवंत सिंह, इन दोनों ने क्या किया, गोली मार करके इनकी हत्या कर दी, किसकी, इंदिरा गांधी, ये दोनों इनके बॉडीगार्ड्स थे, ये देखो, और बॉडीगार्ड्स ने क्या किया, इनको गोली मार दिया। देखिए पेपर में छपा हुआ है, जस्टिस मतलब न्याय मिल गया, देख रहे हो, पंजाब को ऐसा लगा कि न्याय मिल गया, इंदिरा गांधी ने जनरल सिंह भिंडर वाले को मरवाया, गोल्डन टेम्पल तोड़ा, तो एक सरदार ने अपना बदला ले लिया, ऐसे इंदिरा गांधी को मार, लेकिन इंदिरा गांधी अपने जगह पे सही थी या गलत थी ये आप लोग डिसाइड करोगे। इस तरह से देखो न्यूज़पेपर में छपा था, कितनी गोलियां मारी थी इनको, 33 गोलियां मारी थी, उसमें से उनके बॉडी के अंदर कितना एंटर किया था, 23 गोलियां, कितनी गोलियां, 23 गोलियां उनके बॉडी में एंटर की थी, ये आप लोग डिसाइड करोगे, आप लोग सोचो कि इन्होंने जो किया वो सही किया या नहीं। उन्होंने सिर्फ एक स्टेट को नहीं सोचा, उन्होंने सोचा अगर एक स्टेट इस तरह से बगावत करके राइट्स करके अलग हो जाएगा तो बाकी भी जो स्टेट वो भी यही सोचेंगे, चलो हम भी अलग हो जाते हैं, तो जो हमारा ये संकल्प है कि हम अखंड भारत बनाएंगे वो क्या पॉसिबल है। पहले अखंड भारत में कहां तक आता था, अफगानिस्तान भी आता था, अखंड भारत में क्या आता था, अफगानिस्तान तक आता था अपने पास, अब अफगानिस्तान अलग हो गया, पाकिस्तान अलग हो गया, तो अगर एक एक स्टेट ऐसे अलग होते जाएंगे इंडिया से, तो इंडिया में बचेगा क्या। अब जब इंदिरा गांधी की मौत हुई उसके बाद भयानक फिर से क्या हुआ, दंगा हुआ, किसका, हिंदू और सिख का, उसमें कितने ज्यादा ज्यादा मारे गए लोग, 5,000 से ज्यादा लोग मारे गए, बताओ ये लड़ाई किसकी थी, एक सत्ता की। जनरल सिंह भिंडर वाला क्या चाहता था, सेपरेट नेशन, अगर अलग देश बनेगा तो उसको क्या मिलेगा, सत्ता मिलेगी, पीएम बनेगा या तो सीएम, पीएम बनेगा, सीधी सी बात है, पीएम ही बनना चाहेगा, बड़ा पोस्ट चाहेगा या कोई भी छोटा पोस्ट चाहेगा, वो तो सब सत्ता के लिए लड़ रहे थे। इंदिरा गांधी भी किसके लिए लड़ रही थी, सत्ता के लिए, कि मेरी सत्ता नहीं जाना चाहिए, इंडिया अलग, इंडिया से एक स्टेट अलग नहीं होना चाहिए। अब सिख समुदाय का जो वर्कशिप प्लेस था जहां पे लोग पूजा करते थे, हिंदुओं बहुत सारे उनके वर्कशिप प्लेसेस को क्या किया, तबाह कर दिया, जला दिया, क्योंकि हिंदुओं की जनसंख्या ज्यादा है, तो इस सत्ता के झगड़े में मरा कौन, अब सिख और हिंदू दोनों मरे, सिख और हिंदू दोनों मरे कि नहीं मरे। तो याद रखिए कभी भी जब आंदोलन होता है, जो लोग प्रोटेस्ट करते हैं उसमें बोलते हैं ना, नेता तो कम मरते हैं लेकिन आम आदमी ज्यादा मरते हैं, तो एक बार बोलते हैं ना, आंदोलन करने से पहले किसी नेता के चक्कर में नारा लगाने से पहले 10 बार सोचने का। मुझे जहां तक लगता है कि इंदिरा गांधी ने अगर जो डिसीजन लिया, अगर वो एक राष्ट्र प्रेम से किया, देश प्रेम से अगर किया है, तो उनका डिसीजन मैं समझता हूं कि 100% सही। ठीक है, चलिए वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं, मिलेंगे फिर से एक नए वीडियो में, तब तक आप डिसाइड कर लेना कि जो उन्होंने किया सही किया या गलत।